क्या हम शुरू करें? शल विस्थात। क्या हम श्री गणेश करें? शलवी शलवी सर्दबोल रोलिंग, शलवी सर्दबोल रोलिंग। चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो, हियर वी गो। कितने अच्छे हैं आप। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। यह मेरा सौभाग्य है। इट्स माय प्लेजर। क्या बोलोगे? कैसे कहेंगे? मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। पढ़ा रहा था, पढ़ा दिया है। आई हैव टॉट। पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं शायद पढ़ाऊंगा, आई मे टीच। भगवान करे आप पढ़ाओ। मे यू टीच। रिपीट रिपीट। पढ़ा दो यार। कुड यू प्लीज टीच। कैसे कहेंगे? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं चला गया हूं, आई हैव गॉन। जाऊंगा, आई विल गो। मैं शायद जाऊंगा, आई मे गो। भगवान करे आप जाएं। मे यू गो। चले जाओ यार। कुड यू प्लीज गो। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड दैट इज डू डज। डू डज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो जिस बच्चे को डू डज आते हैं, मान सकते हैं कि उसको 60-70% इंग्लिश आती है। न्यूज़पेपर्स देखेंगे, कमेंट्री सब डू डज में होती है। मैं आपको मूवी नरेट करवाऊंगा यहां पर, आप देखेंगे सब डूडल्स में ही आप नरेट करेंगे। माना जाता है कि डूडल्स इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की बैकबोन कहलाती है डूडल्स। डूडल्स क्लियर मींस 60-70% इंग्लिश क्लियर। गॉड फॉरबिड अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या वो सही से चल पाएगा? नहीं। सिमिलरली अगर आपको डूडल्स नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आता। पीछे के हमारे 4 टाइमर्स हमने सीखे थे, उनसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डूडल्स, राइट? डूडल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? बड़ी सिंपल सी एक ही लाइन में सुनिएगा। जब किसी इंसान से जानकारी लेनी हो कि क्या आप यह काम करते हो या नहीं करते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी इंसान से जानकारी लेनी हो, मुझे मान लीजिएगा इंसान हूं ना वैसे तो, हाँ यस, आप मुझसे जानकारी लेनी हो या फिर किसी से भी आपको जानकारी लेनी हो कि क्या आप यह एक्शन यानी काम करते हो या नहीं करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप खेलते हो, क्या आप बोलते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप स्टडी करते हो, क्या आप चाय पीते हो, कोई भी काम करते हो या नहीं करते हो तो डू डज का यूज करेंगे। और कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो इज आर एम, और कर रहे थे या नहीं कर रहे थे तो वाज वर। कंप्लीट कर दिया है या नहीं किया है तो करोगे या नहीं करोगे तो विल, और करते हो या नहीं करते हो तो डू डज, राइट? एज यू नो दिस थिंग, क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड हमारा है आज का डू। सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले डू को लिखेंगे, डू के बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सवाल मुझसे पूछेगा क्या आप पढ़ाते हैं, रिपीट कीजिए, डू यू टीच, क्या आप खेलते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप बाइक चलाते हो, डू यू, रिपीट, क्या आप जानते हो, क्या आप कोशिश करते हो, डू यू ट्राई, डू यू ट्राई, क्या आप जल्दी उठते हो, उठने को बोलते हैं। अच्छा, इस वेकअप और गेटअप में क्या फर्क होता है? हाँ, वेकअप का मतलब होता है आंखें खुली बेड पे लेटा हुआ है, और गेटअप का मतलब होता है, हाँ, आंखें खुल भी गई और उठ भी गया,
तो शायद गेट अप यूज करेंगे. गेट अप एट डॉन. डॉन का मतलब होता है सूर्य उदय के समय उठना. इट्स अ डॉन. गेट अप एट डॉन. देखिए रात को 12 बजे होती है मिडनाइट. 1 बजे से 4 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं वी आर्स. वी आर्स बोलते हैं 1 से 4 के बीच का टाइम. और 4 से लेकर आज कर मैं कहूं कि 5 o'clock तक. 5 o'clock तक होती है अर्ली मॉर्निंग. अर्ली राइट. 5 से 5:15 बजे मान लीजिएगा. 5:15 तक सूर्योदय कितने बजे होता है? फिक्स टाइम होता है ना कोई कितनी देर? हाँ 5:30 अराउंड. हाँ 5:30 5:30 बजे सूर्योदय का समय होता है उसे बोलते हैं डॉन. और उसके बाद में होती है लेट. फिर भी हमारे यहाँ पर इतने अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ खड़े होके बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. 8 o'clock अर्ली होता है ना? 8 o'clock अर्ली नहीं होता. अगर आप 6 o'clock भी सूर्योदय के बाद में तो लेट ही है. तो सूर्योदय होता है 5:30 पर अगर आप जागते हैं उठते हैं तो दैट इज कॉल्ड गेट अप एट डॉन. तो सवाल मुझसे पूछेगा क्या आप सूर्य उदय के समय उठते हैं? बोले डू यू गेट अप एट डॉन. रिपीट कीजिए. मुझसे सवाल पूछेगा सर क्या आप स्टडी करते हो? डू यू स्टडी. रिपीट. डू यू स्टडी. क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच. आपने क्वेश्चन तो पूछ लिए. इसी प्रकार से आप और भी एक्शन लेके पूछ सकते हैं क्या आप ये काम करते हो या नहीं करते हो. तो डू यू एक्शन फर्स्ट. आंसर है उसके दो हो सकते हैं, या तो पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता. अगर मैं कोई काम नहीं करता तो नॉट आता है. नॉट कौन सी स्थान पे आता है, कौन से प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे. अगर मैं कोई काम नहीं करता तो मैं बोलता हूं आई डू नॉट, और एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. कैसे कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ाता? आई डू नॉट टीच. एक साथ बोलिए. रिपीट कीजिएगा. चलिए सवाल पूछिए क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले. डू यू प्ले. मैं नहीं खेलता. आई डोंट प्ले. डू नॉट को मिला के डॉन बोल सकते हैं. आई डोंट प्ले. टी साइलेंट होता है. आई डोंट प्ले. मैं हूं डॉन. आई डोंट प्ले. रिपीट कीजिएगा. सवाल पूछिए मुझसे सर क्या आप झूठ बोलते हो? टेल अ लाय. टेल अ लाय का मतलब होता है झूठ बोलना. सवाल पूछिए क्या आप झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाय. मैं नहीं बोलता. आई डोंट टेल अ लाय. ध्यान रखिए ये जो मैं अब पॉजिटिव आंसर लिखने जा रहा हूं उसमें पॉजिटिव सेंस में कभी भी डू को वापस नहीं बोलते. आपने पीछे की प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हैं टाइम बड़े उसमें आपने देखा होगा इजारम भी रिपीट होता है पॉजिटिव में, वॉजबर भी होता है, हैजो भी होता है, विल भी होता है, लेकिन डू कभी भी पॉजिटिव सेंस में रिपीट नहीं होगा. डू नहीं होगा. अब तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए. मैं कोई काम करता हूं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा और एक्शन की एक्शन आ जाएगी. सिंपल. अगर आप कोई काम करते हैं, आपने सवाल पूछा क्या पढ़ाते हो, कैसे पूछोगे? हाँ? मैं पढ़ाता हूं. आई और उसके बाद काम. कोई भी काम मैं करता हूं तो बीच में कुछ नहीं लगाना आपको. आई और आई के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. कुछ प्रैक्टिस करें. चले फटाफट बोलिए. मैं खेलता हूं. आई प्ले. मैं जाता हूं. मैं आता हूं. मैं बोलता हूं. मैं काउंट करता हूं. मैं प्रिंट करता हूं. मैं पेंट करता हूं. मैं यूज करता हूं. मैं ऑपरेट करता हूं. मैं अप्लाई करता हूं. मैं समझता हूं. मैं जानता हूं. मैं कोशिश करता हूं. आई ट्राई. मैं कट करता हूं. मैं पढ़ाता हूं. तो कोई भी काम करता हूं तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म. और कुछ नहीं लगाना बीच में. अब कई बच्चों को आदत है एम ठोक देते हैं यहां पर. बीच में कुछ नहीं. मैं कोई काम करता हूं तो आई, आई के साथ में वो काम. सिंपल. पॉजिटिव सेंस में डू कभी वापस नहीं आएगा. डायग्राम समझ में आएगा आपको? आ गया समझ में? क्या आप ये काम करते हो तो डू एक्शन फर्स्ट. मैं करता हूं आई एक्शन फर्स्ट. नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट. ये बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एक्शंस के साथ में. सवाल पूछे मुझसे क्या आप स्टडी करते हो? डू यू स्टडी. करता हूं. आई स्टडी. नहीं करता. आई डोंट स्टडी. क्या बोलते हो? डू यू स्पीक. बोलता हूं. नहीं बोलता. आई डोंट स्पीक. क्या आप जानते हो? जानता हूं.
नहीं जानता। क्या आप खेलते हो? खेलता हूं। नहीं खेलता। क्या पूछते हो? हाँ, पूछता हूँ। नहीं पूछता। आई डोंट आस्क। क्या आप काउंट करते हो? करता हूँ। नहीं करता। क्या आप उठते हो? डू यू गेट अप? एट डॉन उठता हूँ जल्दी। सूर्योदय के समय उठता हूँ। आई गेट अप एट डॉन। नहीं उठता। आई डोंट गेट अप एट डॉन। अपनी क्लास में कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी हैं, उनसे कोई सवाल पूछ सकता है कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी क्या बोलोगे करते हो? तो सवाल पूछेंगे, क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते? बोले डू यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? रिपीट कीजिएगा, डू यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? करता हूं। आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? नहीं करता। आई डोंट। क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो? करता हूं। नहीं करता। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आ गया होगा आपको। आइए, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सब्जेक्ट यानी काम को करने वाले, सिंगल हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं प्लूरल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये आई है ना, आई, आई का मतलब होता है मैं, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आई क्या है? आई का मतलब मैं, दो तो नहीं हूं ना, कई लोग तो प्लूरल बोल रहे हैं। आई का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। अच्छा इसमें तो फिर आई डू के साथ में आई क्यों लगता है? डू यू कैसे बोलते हैं? सवाल पूछते हैं, डू आई कैसे बोलते हैं? यहां तो प्लूरल है ना। चलिए, आई का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए। हाँ चलिए, आपको बोलना 5 times। आई का मतलब क्या? 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 अच्छा मैं का मतलब हिंदी में क्या होता है? घमंड। बोलते ना इस आदमी में मैं है, बोलते ना मैं है इस आदमी में। तो आई का मतलब हिंदी में मैं का मतलब घमंड। और इत्तफाक से लैटिन भाषा में भी इस शब्द का मतलब होता है ईगो। कुल मिला के बात यह है कि आई में ईगो है। कैसे? जब इंग्लिश बननी शुरू हुई थी, मैंने सबसे पहले कौन सी क्लास पढ़ाई आपको? कौन सी पढ़ाई? इजेमार पढ़ाई। इजेमार में इसने क्या बोला कि मैं इतना दम रखता हूं, न तो मैं सिंगुलर बनूंगा न मैं प्लूरल बनूंगा, मैं तो इंडिविजुअल पार्टी बनाऊंगा मेरी। तो उसने आई के साथ में लगता है एम। अब कई बच्चे बोलेंगे सर सिंगुलर है वहां पे, तो सिंगुलर होता तो इज लगता, प्लूरल होता तो आर लगता। उसके बाद में बनने शुरू हुए इज आर एम, सॉरी वोजवर। क्या पढ़ाए मैंने? वोजवर पढ़ाए। वोजवर में इसने क्या किया कि मैं तो इसकी अकेले की दाल नहीं गली, इसीलिए ये चला गया सिंगुलर वालों के साथ में। आई के साथ में क्या लगता है वहां पर? वोज। तो ये सिंगुलर पार्टी में चला गया। देखना कितना खुरापाती कितना घूमेगा। आपको आई को ही दिमाग में रखना, बाकी सब फिक्स्ड है। यू हमेशा प्लूरल होता है। कल परसों किसी बच्चे ने पूछा था सर आई सिंगुलर है प्लूरल है? बहुत बार बच्चे सवाल भी पूछते हैं। आइए इसकी कहानी बताता हूं और आपको आगे। फिर मैंने पढ़ाई आपको कौन सी क्लास? हैजो की। अब इसकी यहां भी दाल नहीं गली, आई के साथ में हैजो में आई के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है, लगता है। इसने क्या किया, यहां पर पार्टी वापस चेंज कर ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन रखा एक बार, यहां पे वापस प्लूरल के साथ में आ गया। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको विल। रिटन इंग्लिश की बात करेंगे, रिटन इंग्लिश में शैल का प्रयोग भी होता है, होता है ना। इसने क्या किया, जिसमें घमंड होता ना वो खुराफाती तो होता है, बड़ा पॉलिटिकल आदमी होता है वो। आई ने पटाया किसको? वी को।
फ्यूचर में, तो आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं शैल, कहां पर? इन रिटन। इसलिए हमें पता चलेगा इसमें कितनी औकात है, इसलिए हम इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। हमने क्या किया, फ्यूचर में शैल को ही हमने भगा दिया, हम सबके साथ में विल का ही यूज करते हैं। क्लियर, यहां चेंज हो गया। आज कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूं, ये तो फर्स्ट क्लास थी, इज आर एम की है ना, एज आर एम, उसमें था ये आई के साथ में एम, यानी इंडिविजुअल था यहां पे, तो फिर सिंगुलर हुआ, फिर प्लूरल हुआ, यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते, आई के साथ वी है ना। और फिर उसने, आज मैं पढ़ा रहा हूं डू डज, डू डज के साथ में इसने क्या किया, वापस प्लूरल में आके मिल गया, डू के साथ में आता है, डू प्लूरल होता है। कल मैं पढ़ाऊंगा डिड, डिड में सब एक हो जाएंगे, तब जाके हमारे सिक्स टाइम वर्ड क्लियर होंगे, और उसके बाद में हमारे बहुत ही खूबसूरत सफर की शुरुआत होगी। क्लियर, अब बताओ आई क्या है, आई क्या है, व्हाट इज आई, आई क्या है, हाँ ईगो है, इसमें क्या है, ईगो है। और जिस इंसान में घमंड होता है ना, वो थोड़ा परेशान करता ही है, उसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो आई है ना, इजारम में सिंगुलर है, फिर उसमें सॉरी इंडिविजुअल है, प्लूर, यहाँ सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, कुछ कह नहीं सकते, प्लूरल हुआ, फिर डिड में सब एक हो जाते हैं, सबके साथ पर डिड लगता है, फिर उसके बाद में आगे कहानी शुरू होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आई है वो सिंगल तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, अरे इसमें डूडज में क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वालों के साथ में लिखा जाएगा, राइट आई है वो प्लूरल है, सामने वाला यू हमेशा प्लूरल होता है, हम वे सिंगुलर की तरफ आते हैं। एक लड़का जिसका नाम नहीं जानते या लेना नहीं चाहते, आइए मैम आइए, वाई सो लेट, ओके, अगर लड़की है उसका नाम जानते नहीं है, लेना नहीं चाहते, शी इट जो श्वास नहीं लेती, नेम हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, आप अपना अपना नाम लेके देख लीजिएगा, सब सिंगुलर हैं। कुछ गलतियां हम करते हैं जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तब एक बच्चा है, एक बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्ड, अगर एक से ज्यादा की बात करें तो चिल्ड्रन। अब ये बताइए चिल्ड्रंस क्या होता है, कुछ नहीं होता, चिल्ड्रंस हम फिर भी पीछे नहीं है, हम बना डालते हैं, हम प्लूरल होता उसके भी एस जोड़ ही देते हैं। एक बच्चा तो चाइल्ड, एक से ज्यादा हाँ, फिर भी हम बोलते हैं चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, देर आर मेनी पीपल दे से चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एस मत लगाइएगा अननेसेसरी, हमारी एक ऐसा मानना है कि हम सिंगुलर में एस जोड़ते ही प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, काफी जगह ध्यान रखिएगा। एक औरत है तो उसे क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, और प्लूरल बनाएंगे तो हाँ? आप बोलते हो तो बोलोगे ई लगा लो, अगला ही लगा लेगा क्या, हाँ एक औरत है तो मैं लिख देता हूं आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा, बोले वुमन, क्या बोलोगे, एक से ज्यादा है तो वीमिन, यानी ई आ जाएगा ना, वीमिन। कुछ प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक औरत, एक बोलो बोलो, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक, क्या बोलोगे, आपका पड़ोसी है तो हाँ नेबर, क्या होगा, अच्छा नेबर में अगर यू को हटा दूं तो स्पेलिंग सही होगी, सही होगी क्या, आप YouTube पे जाके देखिएगा, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, वहां पे आपको सही मिलेगी आपको, राइट एक से ज्यादा आपके पड़ोसी है तो फटाफट बोलिएगा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एक लड़की है तो गर्ल, एक से ज्यादा हाँ, एक फ्रेंड हाँ, और एक से ज्यादा क्या बोलोगे, तो ये फ्रेंडो क्या होता है, फ्रेंडो क्या होता है, कल ही एक बच्चा आया सर मेरा बर्थडे था, मैंने सब फ्रेंडों को बुलाया, सब टीचरों को बुलाया, ये टीचरों फ्रेंडों ये क्या होता है, अभी कम तो नहीं है, वो अंग्रेज लोग ढूंढते घूम रहे कहां पे हो तुम, है ना, ऐसे भी हाँ, आपने इंग्लिश को एक्सप्लोइट करने का कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। एक अध्यापक तो टीचर, क्या टीचर, एक से ज्यादा
टीचर्स, एक लड़का boy, एक से ज्यादा boys, क्या बोलोगे boys, क्या बोलोगे boys, मम्मी पापा में से एक पेरेंट, क्या बोलोगे पेरेंट, एक से ज्यादा parents, क्या बोलोगे parents, आपका एक कजिन कजिन क्या होगा cousin, एक से ज्यादा cousin, क्या होगा cousin, okay, आपकी बगल में जो बैठा है वो आपका क्या है क्लासमेट, क्या है एक से ज्यादा क्या होगा classmates. अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके साथ में काम करने वाला कॉलिग नहीं कॉलिग, बोले कॉलिग 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 क्या होगा college. क्या होगा college. रिपीट करना राइट ये सिंगुलर है ये प्लूरल है. ऑफिस में अगर आपके नीचे काम करने वाला होता है सब ऑर्डिनेट, क्या होता है एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट्स, क्या होता है सब ऑर्डिनेट्स. ये सिंगुलर है ये प्लूरल है. एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहां तक तो आपको शायद पहले पता होगा. एक बच्चा, एक से ज्यादा, एक औरत, हाँ एक से ज्यादा, हाँ पड़ोसी, नेबर्स, गर्ल, फ्रेंड, टीचर, 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 बॉय, पेरेंट, कजिन, क्लासमेट्स, कॉलेज, सबऑर्डिनेट. अगर एक इंसान है तो पर्सन, और एक से ज्यादा पीपल. अब इसे भी कई लोग पीपल बोलते हैं. आपके गांव में पेड़ किसका किसका पीपल्स क्या होता है व्हाट इज पीपल्स पीपल यूज इट पीपल्स पीपल्स यूज नहीं करें. एक से ज्यादा अगर लोग है पीपल होता है न कि पीपल्स. इज इट क्लियर. ये है सिंगुलर ये है प्लूरल. एज आई टोल्ड आई आई होती है आंख और आई होता है मैं. हाँ हाँ प्लूरल ही होती है सर आईज. हाँ 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 आईज आईज होता ना क्यों नहीं होता सर. देयर इज आईज देयर टू आईज सर. हाँ सिंगुलर एंड प्लूरल राइट. एज आई टोल्ड यू कि ये 60% एंड 70% इसका वेटेज होता है. इसीलिए मैं आपको डू अलग पढ़ाऊंगा और डज अलग पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो राइट. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ डू. मैंने यहां से डू डज इरेज कर दिया. अब बताओ यहां से क्या इरेज करूं सिंगुलर पार्ट और प्लूरल पार्ट. प्लूरल हाँ सिंगुलर पार्ट. ओके हियर वी गो. ये लीजिए. अब इन सब के साथ में क्या आता है डू. क्या आएगा डू. आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो डू आई भी हो सकता है डू यू भी हो सकता है डू वी भी हो सकता है डू दे भी हो सकता है डू चिल्ड्रन भी हो सकता है डू विमेन भी हो सकता है डू नेबर्स भी हो सकता है. इज इट क्लियर. चलिए आगे बात करते हैं. अब सवाल पूछे पूछेगा क्या आप सूर्य उदय के समय उठते हो. डू यू गेट अप एट डॉन. डू यू गेट अप एट डॉन. कैसे कहेंगे मैं सूर्य उदय के समय उठता हूं. I get up at dawn. I get up at dawn. आप उठते हो. You एक साथ बोलिए. हम उठते हैं. वे उठते हैं. रिपीट. चिल्ड्रन उठते हैं. विमेन उठती हैं. क्वेश्चन क्या विमेन सूर्य उदय के समय उठती हैं. क्या बोलोगे डू विमेन. एक साथ फटाक से बोलिए. कैसे कहेंगे औरतें सूर्य उदय के समय विमेन नहीं उठती. विमेन डू नॉट गेट अप एट डॉन. विमेन डू नॉट गेट अप एट डॉन. लेकिन औरतें चुगली करती हैं. औरतें चुगली करती हैं. चुगली अच्छा ये बताइए चुगली मुंह पे होती है नहीं पीठ के पीछे. पीठ को क्या बोलते हैं back. क्या बोलते हैं back. क्या बोलते हैं बैक. और काटने को क्या बोलते हैं बाइट. बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना. कैसे कहेंगे मैं चुगली करता हूं. I बस आई लगा दो यहां पे आई बैक बाइट.
आई बैक बाइक। तुम चुगली करते हो, हम करते हैं, वे करते हैं, राम करता है। राम की तो आज बात ही नहीं करें, राम की बात ही नहीं करनी आज, इसलिए तो मैंने यूज किया राम सिंगुलर, आज सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, सबका सब प्लूरल आपको सब्जेक्ट के। कैसे कहेंगे औरतें चुगली करती हैं? बोले विमेन बैक बाइट, विमेन बैक बाइट। क्वेश्चन फटाक से बनाइए, डू विमेन बैक बाइट? औरतें चुगली नहीं करती, विमेन डॉन बैक बाइट, विमेन डॉन बैक बाइट, लेकिन लड़कियां चुगली करती हैं, गर्ल्स बैक बाइट। क्वेश्चन, क्या लड़कियां चुगली करती हैं? हाँ, लड़कियां चुगली नहीं करती लेकिन बट लड़कियां इधर उधर की बातें करती, उनकी बातों में सॉरी टू से सेंस नहीं होता, इधर उधर की बातें करती हैं। इधर उधर की बातें करने को बोलते हैं बीट अबाउट बुश, बीट अबाउट बुश। इधर उधर की बातें करने को बोलते हैं बीट अबाउट बुश। हमारे पास एक वोकैब आ चुकी है, मोती आ चुका है, इसे हम सेंटेंस में पिरोएंगे। आज तो बड़ा इजी है, आए यहाँ पे लगा देना, अपने आप ही बनता चला जाएगा। वो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ लगा दो, अपने आप ही सेंटेंस बन जाएगा। कैसे कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें करता हूँ? आई बीट अबाउट बुश, आई बीट अबाउट बुश। आप इधर उधर की बातें करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, वे इधर उधर की बातें करते हैं, औरतें इधर उधर की बातें करती हैं, लड़कियां इधर उधर की बातें करती हैं। क्या लड़कियां इधर उधर की बातें करती हैं? लड़कियां इधर उधर की बातें नहीं करती, गर्ल्स डू नॉट, लेकिन बट लड़कियां बात के दो टूक करती हैं। जब भी कहना हो लड़कियां बात के दो टूक करती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉल, कॉल अ स्पैड अ स्पैड। जब आप मेंस लिखेंगे ऐसी वो के बड़ी काम आएगी। कॉल अ स्पैड, स्पैड का मतलब होता है दो टूक बात करना। बहुत बार आप कह सकते हैं देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं तो बात के दो टूक करते हैं करता हूं। आप कह सकते हो घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, बोले आई डू नॉट। एक साथ बोलिए आई डू नॉट बीट अबाउट बुश, लेकिन मैं बात के दो टूक करता हूं। आई कॉल अ स्पैड अ स्पैड, आई कॉल अ स्पैड अ स्पैड। आप बात के दो टूक करते हैं, यू कॉल अ स्पैड अ स्पैड। हम बात के दो टूक करते हैं, वे बात के दो टूक करते हैं, लड़कियां बात के दो टूक करती हैं। क्या लड़कियां बात के दो टूक करती हैं? रिपीट करना, लड़कियां बात के दो टूक नहीं करती लेकिन बट लड़कियां शराब पीती हैं। शराब पीने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम लिखर। एक साथ बोलिएगा, अच्छा कैसे करेंगे? मैं शराब पीता हूं, आई कंज्यूम लिखर। आप शराब पीते हैं, हम पीते हैं, वे पीते हैं, लड़कियां शराब पीती हैं, गर्ल्स कंज्यूम लिखर। क्या लड़कियां शराब पीती हैं? हाँ, लड़कियां शराब नहीं पीती, गर्ल्स डू नॉट कंज्यूम लिखर, लेकिन लड़कियां हुक्का पीती हैं, स्मोक हब्बल बब्बल। क्या बोलोगे? हब्बल बब्बल, बड़ा मजा आएगा बोलने में। कैसे कहेंगे? मैं हुक्का पीता हूं, आई स्मोक हब्बल बब्बल। आप हुक्का पीते हैं, हम हुक्का पीते हैं, वे हुक्का पीते हैं, लोग हुक्का पीते हैं, पीपल स्मोक हब्बल बब्बल। लड़के हुक्का पीते हैं, लड़कियां हुक्का पीती हैं। क्या लड़कियां हुक्का पीती हैं? लड़कियां हुक्का नहीं पीती,
लेकिन बट लोग हुक्का पीते हैं. पीपल स्मोक हबल बबल. क्वेश्चन, क्या लोग हुक्का पीते हैं? लोग हुक्का नहीं पीते लेकिन लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं. हाँ, लोग क्राइम को बढ़ावा देने को बोलते हैं अबेट द क्राइम. क्या बोलते हैं? बोलो अबेट द क्राइम. रिपीट करना. कैसे कहोगे? मैं क्राइम को बढ़ावा देता हूँ. आई अबेट द क्राइम. आप क्राइम को बढ़ावा देते हो. हम क्राइम को बढ़ावा देते हैं. लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं. पॉलिटिशियंस क्राइम को बढ़ावा देते हैं. क्या पॉलिटिशियंस क्राइम को बढ़ावा देते हैं? पॉलिटिशियंस क्राइम को बढ़ावा नहीं देते. पॉलिटिशियंस डू नॉट अबेट द क्राइम. लेकिन पॉलिटिशियंस जरूरतमंदों की सहायता करते हैं. बोले पॉलिटिशियंस हेल्प द नीडी. कैसे कहेंगे? मैं जरूरतमंदों की सहायता करता हूं. आई हेल्प द नीडी. आप जरूरतमंदों की सहायता करते हो. हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं. वे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं. क्या वे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं? वे जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते. मैं जरूरतमंदों की सहायता करता हूं. सवाल मुझसे पूछिए, सर क्या आप जरूरतमंदों की सहायता करते हो? मैं जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता. अंडरस्टूड? अब रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाओ. फटाफट प्रैक्टिस करवाएंगे छोटी छोटी एक्शन पे. क्या आप ये करते हो? मैं नहीं करता. मैं ये करता हूँ. क्या आप ये करते हो? मैं ये नहीं करता. सवाल मुझसे पूछिए, क्या आप जरूरतमंदों की सहायता करते हो? मैं जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता. आई डोंट हेल्प द नीडी. लेकिन मैं खेलता हूँ. आई प्ले. क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता. लेकिन मैं जानता हूँ. आई नो. क्या आप जानते हो? दीना. मैं जानता हूँ. आई नो. मैं आपको जानता हूँ. आई नो यू. आई नो यू. कितने पानी में हो आप? वेयर डू यू स्टैंड? जब भी कहना हो मैं आपको जानता हूँ, बोले आई नो. आई नो आपको. यू. आई नो यू. वेयर डू यू स्टैंड? रिपीट करिएगा. बोल आई नो यू. वेयर डू यू स्टैंड? रिपीट. एक फीलिंग के साथ में बोलिए, मैं जानता हूं आप कितने पानी में. आई नो. वेयर डू यू स्टैंड? आई नो. वेयर डू यू स्टैंड? आई नो. वेयर डू यू स्टैंड? जिस दिन लैंग्वेज को फील करना सीख गए ना, उस दिन अपने आप ही आने लग जाएगी आपको लैंग्वेज. रटने से कुछ नहीं आएगी आपको. मैं जानता हूं आप कितने पानी में हो, तो आप सर्चिंग पर डालते हो वॉटर, है ना, डेप्थ उसकी कितने पानी में हो. ऐसा नहीं होता भाई. जब भी कहना हो मैं जानता हूं आप, एक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, है ना, कि लड़कियां शराब पीती हैं, लड़कियां ये करती हैं ये करती हैं. आपको लगा होगा कि सर तो है ना, लड़कियों से या फिर फीमेल से घृणा करने वाला कौन होता है? मीजो गायनिस्ट. जो लड़कियों से या फिर औरतों से घृणा करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं मीजो गायनिस्ट. ये जब मैं रूट वर्ड से पढ़ाऊंगा आप, मीजो का मतलब हमेशा जहां मीजो आए वहां समझ लीजिए ये हेट से है, घृणा से है. जैसे शादी से घृणा करने वाला होता है मीजो गेमिस्ट होता है. राइट? मीजो गेमिस्ट होता है. औरतों से, औरतों के डॉक्टर कौन होती है? गायनोकोलॉजिस्ट होती है. तो मीजो गायनो, मीजो गाय, औरतों से घृणा करने वाला मीजो गायनिस्ट. क्या होते हैं? और जो औरतों के अधिकारों की बातें करता है हमेशा फेमिनिस्ट. क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन. राइट? सो आई एम नॉट मीजो गेमिस्ट. आई एम नॉट मीजो गायनिस्ट. I am a feminist. कभी आप बोल दो सर आई नो वेयर डू यू स्टैंड, आप कितने पानी में, है ना. चलिए कैसे कहेंगे? मैं पढ़ाता हूं. आई टीच. क्वेश्चन, क्या पढ़ाते हो? डू यू टीच? मैं नहीं पढ़ाता. आई डोंट टीच. लेकिन मैं चेक करता हूं. आई चेक. क्या आप चेक करते हो? डू यू चेक? मैं चेक नहीं करता. आई डोंट चेक. लेकिन मैं समझता हूं. आई अंडरस्टैंड. क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं समझता. आई डोंट अंडरस्टैंड. मैं काउंट करता हूं. क्या आप काउंट करते हो? मैं काउंट नहीं करता. मैं अप्लाई करता हूं.
क्या आप अप्लाई करते हो? मैं अप्लाई नहीं करता, मैं पिंच करता हूँ। क्या आप पिंच करते हो? मैं पिंच नहीं करता, मैं दौड़ता हूँ। क्या आप दौड़ते हो? मैं नहीं दौड़ता, मैं देता हूँ। क्या आप देते हो? मैं नहीं देता, मैं लेता हूँ। आई टेक। क्या आप लेते हो? मैं नहीं लेता, आई डोंट टेक। मैं सोता हूँ। क्या आप सोते हो? मैं नहीं सोता, मैं स्मोक करता हूँ। क्या आप स्मोक करते हो? मैं नहीं स्मोक करता, मैं बताता हूँ। आई टेल। क्या आप बताते हो? मैं नहीं बताता, मैं पूछता हूँ। आई आस्क। क्या आप पूछते हो? मैं नहीं पूछता, मैं मुस्कुराता हूँ। आई स्माइल। क्या आप मुस्कुराते हो? मैं नहीं मुस्कुराता, लेकिन मैं सीखता हूँ। आई लर्न। क्या आप सीखते हो? मैं नहीं सीखता, लेकिन मैं हिचकिचाता हूँ। आई हेजिटेट। कैसे कहेंगे जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म? वन हु हेजिटेट, एस लगे, वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। रिपीट कीजिएगा, वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। क्या बोलोगे? मैं ड्रिंक करता हूं। क्या आप ड्रिंक करते हो? डू यू ड्रिंक? मैं नहीं करता सर, आई डोंट ड्रिंक, लेकिन मैं लिखता हूं। आई राइट। क्या आप लिखते हो? मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट, आई डोंट राइट, लेकिन मैं लिखूंगा। आई विल राइट। क्या आप लिखोगे? क्या आप लिखोगे? क्या आप लिखोगे? टाइम चेंज कैसे कर सकते हो? डूगे। क्या आप लिखोगे? विल यू राइट? विल यू राइट? विल यू राइट? लिखोगेगा? अरे विल यू राइट, क्या आप लिखोगे? हाँ बोले, हम लिखेंगे। वी विल राइट। वी विल राइट। रिपीट करना, रिपीट करना। भगवान करे आप लिखो। मे यू राइट। लिख लो यार। कुड यू प्लीज राइट? लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।